हरे माधव। मैं प्रिया वाधवानी बेवहारी से, आज मैं बाबा जी के दर्शन करने आई। दर्शन से मेरे को मन बहुत तृप्त हुआ और मेरा जो 1991 में बेटा हुआ, मैं 92 में मई के महीने में मैके आई हुई थी, तो मेरे बेटे को बहुत बुखार हुआ, तेज बुखार था। मैं घर में रो रही थी कि मेरे को घर छोड़ाओ, मेरे को घर छोड़ाओ, क्योंकि व्यवहारी मेरे ससुर बोले थे कि जा रही हो लेकिन बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं बार बार रो रही थी। दिन के 2 बजे थे, मेरा भाई गोविंद, तब साईं गोविंद शाह थे, मेरा भाई भी गोविंद है, वो आया, बोला क्यों रो रही हो? हमने कहा मेरे को व्यवहारी छोड़ाओ, बेटे को बुखार है बहुत तेज और 2 डॉक्टर चेंज किए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। तो बोली क्यों रो रही हो, चलो मैं साईं जी के यहाँ लेके चलता हूँ। मैंने कहा 2 बजे मेरे को साईं जी कहाँ मिलेंगे? फिर मेरा भाई 2 बजे दरबार, हरे माधव दरबार में मेरे को लेके आए पीछे की तरफ से। उतनी टाइम साईं जन धर्मशाला का काम चल रहा था तो सीमेंट उतर रहा था, तब बाबा जी फिर आए गद्दी में बैठे, बोले क्या बोल रही हो, घर जाना है, घर जाना है, क्यों क्या हो गया? मैंने कहा बाबा जी मेरे बेटे को बहुत तेज़ बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है। बोले इधर दो। जैसे ही मेरे से बाबा जी ने मेरा बेटा लिया और कुल्हे में रख के ऐसे 3 थप्पे कर दी, देखो लियो कहाँ है बेटा। मैं उसी उतनी टाइम ही देखी तो मेरे बेटे को एक भी बुखार नहीं था, मेरा बेटा ठीक हो गया, तुरंत ही ठीक हो गया। फिर साईं जन ने मेरे को मिश्री और एक कपड़ा दिया कि बोला अभी जाके इसको कपड़ा सिलकर पहना दो। मैंने तुरंत ही जाके उसको मिश्री भी खिलाई और कपड़ा सिल के पहनाई। आज मेरा बेटा, उसके ऊपर इतनी साईं जी की दया मेहर है, अब साईं ईश्वर शाह हैं, सब वो ही हैं मालिक, आगे भी पहले भी वो ही था, अभी भी वो ही साईं जन है। साईं जन की इतनी मेहर है, पर इतनी दया मेहर है बाबा साईं जन की, मैं बोल नहीं सकती। आगे भी दया मेहर करते आएंगे मेरे बेटे के ऊपर, रहमत करते आएंगे, हाथ हमेशा बाबा जी साईं जन मेरे बेटे के ऊपर रखते आए। हरे माधव। शोकया परिवाह सत्य गुरु वेठोआ, पाणे भरी दो भंडार सत्य गुरु वेठोआ।